हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूँ चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 स्मार्टफोन्स जो कि है 6000 या उससे कम की प्राइस पॉइंट पर। तो यहाँ पर साल खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है, तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे एक नया स्मार्टफोन खरीदने का, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा ले और कौन सा छोड़े। तो इस वीडियो में होपफुली मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर पाऊँ और आप डिसाइड कर पाओगे 6000 या उससे कम में अगर आपको कोई स्मार्टफोन लेना है तो वो कौन सा होगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला फ़ोन जो हमारी लिस्ट में है वो आता है अमेजोन के कंपनी की तरफ से 10 और D2। यह आता है 4999 रुपये का, यानी कि जस्ट अंडर 5000 रुपये। इसमें आपको देखने मिल जाता है स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर। इस प्राइस पॉइंट पर ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी, इसमें 2GB की रैम, 16GB की स्टोरेज। इसमें आपको देखने मिल जाती है 5.45 इंचेस की HD डिस्प्ले। उसके अलावा आपको मिलता है 3200 mAh का बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसी डिस्प्ले में और प्लस ये वाले प्रोसेसर में बहुत ज्यादा बैटरी कंजम्पशन नहीं होता है, तो 3200 काफी अच्छा लास्ट करेगा। इसकी एक सबसे बढ़िया बात है कि इसमें जो आपको कैमरा सेंसर देखने मिलते हैं वो आते हैं सोनी कंपनी की तरफ से, और पीछे आपको देखने मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा और आगे देखने मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर। और यहाँ पे मेमोरी कार्ड ही सपोर्ट करता है 128GB तक की, तो ये भी एक काफी अच्छी बात है अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी मेमोरी को। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारा फ़ोन आता है नोकिया वन, और ये आपको मिल जाएगा 4241 रुपीज़ में। 4241 का आता है ये फ़ोन, जिसमें आपको मिल जाता है मीडियाटेक का प्रोसेसर 6737M, और इसमें आपको मिल जाएगा 4.5 इंचेस का VGA डिस्प्ले। HD डिस्प्ले नहीं है, हालांकि 480p का डिस्प्ले है, बट फिर भी इस प्राइस पॉइंट पर हम जनरली एक 480p डिस्प्ले ही सोचते हैं कि आएगा, पर अगर इससे बेटर मिल जाए तो अच्छी बात है। पर इसमें हमको देखने मिलता है VGA 4.5 इंचेस का प्रोसेसर, और आपको मिलता है 1GB की रैम, 8GB की स्टोरेज। उसके अलावा 2150mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी सही है इस स्पेक्स के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो आपको डेफिनेटली एक दिन लास्ट कर जाएगा। उसके अलावा आपको इसमें मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 8 ओरियो का गो एडिशन, तो ये भी एक दिमाग में रखने वाली बात है कि इसमें आपको ओरियो मिल जाता है। हालांकि ये गो एडिशन है, बट स्टिल एटलीस्ट एंड्रॉयड ओरियो के आप फीचर्स यूज़ कर पाएंगे। इसमें आपको मिल जाता है डुअल 4G का सिम का सपोर्ट, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगला हमारे लिस्ट में फ़ोन है वो है पैनासोनिक की तरफ से, पैनासोनिक T95। ये आपको देखने मिल जाएगा 3999 रुपये के प्राइस पर, यानी कि 4000 लगभग। और इसमें आपको देखने मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 210 प्रोसेसर, जो कि क्वाडकोर प्रोसेसर है और मेरे ख्याल से एक अच्छा ही प्रोसेसर है इस प्राइस पॉइंट के लिए। जो स्क्रीन आपको देखने मिलती है वो है 5 इंचेस की HD डिस्प्ले, तो ये काफी अच्छी बात है कि 5 इंचेस की HD डिस्प्ले देखने मिल रही है। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाएगा 1GB का रैम, 16GB की स्टोरेज और 2300mAh की बैटरी। इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा एंड्रॉइड का नूगट, एग्जैक्ट वर्जन बोले तो 7.1.2। तो बस यही है इसके कुछ स्पेसिफिक। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा चौथे नंबर पर फोन आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, और ये है माइक्रोमैक्स का कैनवस 5। और इसकी एक बढ़िया बात ये है कि ये 4775 का तो है ही, उसके अलावा को मिलता है मीडियाटेक का 6735P प्रोसेसर। ये क्वाडकोर प्रोसेसर है और एक अच्छा परफॉर्मर है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जैसा परफॉर्मेंस हमको चाहिए और डेफिनेटली देता है ये अपना CPU। और उसके अलावा इसमें बस एक घटिया बात ये लगी कि एंड्रॉयड लॉलीपॉप मिलता है इसमें, यानी कि अभी भी ओरियो आ चुका है, मार्शमेलो, पता नहीं कितने वर्जन थे उसके बाद, ओरियो है, मार्शमेलो है, पाई है, उसके बाद भी हमको लॉलीपॉप देखने मिल रहा है ना, ये बहुत ही बेकार बात लगी। उसके अलावा 2000mAh की बैटरी है, 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो, ये सब बातें सही है, बस लॉलीपॉप के आगे भी हम थोड़ा बढ़ जाएं इस फोन में तो मज़ा आ जाएगा। उसके अलावा 2GB की रैम है, 16GB स्टोरेज है, 5 इंच का इसमें एक HD डिस्प्ले लगा है। जो हमारे लिस्ट में आखिरी फ़ोन आता है आज वो है रेडमी का 6A। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये सबसे बेस्ट फ़ोन है, अगर आप 6000 या उससे कम के नीचे का फ़ोन का बजट है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करिए। इसमें आपको मिल जाता है मीडियाटेक हीलो P22, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। इसकी एग्जैक्ट प्राइस है 5999, यानी कि जस्ट करीबन 6000 रुपये, तो जस्ट हमारे उस ब्रैकेट को टच करती है ये फ़ोन। पर डेफिनेटली उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशंस भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें मिलती है आपको 3000mAh की बैटरी, एंड्रॉयड 8.1 ओरियो गो एडिशन नहीं बल्कि 8.1 ओरियो नॉर्मल वाला। उसके साथ ही साथ आपको मिल जाता है 2GB की रैम, 16GB की स्टोरेज और 5.45 इंचेस का HD प्लस का डिस्प्ले लगा है इसके अंदर। और बैक में आपको देखने मिल जाएगा इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा, और फ्रंट में आपको देखने मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का सेंसर। तो काफ़ी बढ़िया है स्पेसिफिकेशंस, मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन तो आपको रेडमी 6A ही रहेगी, पर आप अपने चॉइसेस के हिसाब से और अपने एग्जैक्ट बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बढ़िया फ़ोन होगा। और अगर आप
आपको लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या कोई और सा फ़ोन है जो इस लिस्ट में होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए। उसके अलावा अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो और कुछ आपकी मैं हेल्प कर पाया हूँ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, तो आप दबा दीजिए नीचे लाइक का बटन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा कर दीजिए ग्रे, और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ऐसी कुछ वीडियोज़ के लिए। और उसके बगल में आप दबा दीजिए वो बेल आइकॉन ताकि आप जो है वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके सबसे पहले। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में। We'll be right back.